ये खबर दतिया से है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, जब कांग्रेस कहे प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है और ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका कांग्रेस को नजर आए तो समझ लीजिए बीजेपी जीत रही है। मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस के लोग चुनाव के समय ही मंदिर जाते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया है कि उपचुनाव में बीजेपी सभी 28 सीटों पर जीत रही है। उन्होंने कहा, जब कांग्रेस कहे प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है तो समझ लेना चाहिए बीजेपी चुनाव जीत रही है। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ और राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस के लोग चुनाव के समय ही मंदिर जाते हैं। जब कांग्रेस के नेता ये कहने लगे कि प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है, ईवीएम में गड़बड़ी हो जाएगी, तो समझ लो भाजपा जीत रही है। उसके लिए ज्यादा सोचने और पूछने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का मैंने कल बयान सुना, आज भी सुबह देखा, ये बयान काफी है, भाजपा जीत रही है। मैं तो अभी करेरा से आया, डबरा होता हुआ भांडेर जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, कांग्रेस पत्ते की तरह उड़ रही है। वो चुनाव पे ही मंदिर जाते हैं ना, उनके वो नेता हैं राहुल गांधी, जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ बनियान के नीचे क्रॉस टांगते हैं और नीचे और भी कुछ है, वो चुनाव के हिसाब से ही उनकी पार्टी इस तरह के आडंबर करती है। हम बारामासी वाले हैं, मैं तो अभी सुबह ही होके आया हूँ, एक भी दिन नागा नहीं होती मेरी मंदिर की। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।